नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइफ टाइम्स टीवी। आपके साथ मैं हूं वर्षा और मेरा स्ट्रीम प्रसाद दे रहे हैं वीडियो जर्नलिस्ट शुभम शर्मा जी। आप लोगों के बीच में एक बार फिर हाजिर हैं मौसम के अपडेट लेकर। रोजाना आपको मौसम के बारे में बताते हैं कि मौसम कैसा रहने वाला है, हिमाचल प्रदेश में मौसम को लेकर कहां कहां नुकसान हुआ है, क्या कुछ मौसम विज्ञान केंद्र का कहना है, इसको लेकर आपको जानकारी देते हैं। तो मौसम की जानकारी देने से पहले आप लोगों से अपील करना चाहेंगे कि लाइफ टाइम्स टीवी के पेज को लाइक फॉलो जरूर करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन आपके फोन पर मिलती रहे। तो चलिए बात करते हैं मौसम कैसा रहने वाला है। बीते दिनों बर्फबारी भी हुई, बारिश भी देखने को मिली, उसके बाद जो है मौसम विज्ञान केंद्र द्वारा कोई अलर्ट जारी नहीं किया गया। और अब बात करें तो 31 अक्टूबर तक मौसम साफ रहने वाला है, यानी कि अक्टूबर माह के अंत तक कोई भी बारिश की बात यहां पर नहीं कही गई है, कोई अलर्ट जारी नहीं किया गया है, यानी कि मौसम जो है ठंडा रहने वाला है। लेकिन जो है यहां पर बर्फबारी या फिर बारिश को लेकर कोई भी पूर्वानुमान मौसम विज्ञान केंद्र द्वारा नहीं दिया गया है, यानी कि मौसम ड्राई रहने वाला है। शुष्क मौसम के साथ ही ये महीना जो है होगा और नवंबर माह की शुरुआत कैसी होगी, क्या रहेगा, इसके बारे में भी आपको जानकारी देंगे, क्योंकि रोजाना आपको मौसम के बारे में बताते हैं कि मौसम का क्या हाल है, मौसम कैसा रहने वाला है। वहीं अगर बात करें अब मौसम को लेकर, तो जहां पर बर्फबारी हुई या फिर बारिश की बात की गई तो वहां पर कहीं ना कहीं नुकसान भी काफी ज्यादा देखने को मिला है। और इस बीच जो है कई जगहों पर लैंडस्लाइड का दौर जारी रहा, कई जगहों पर बर्फबारी हुई, बागवानों के बगीचे तबाह हो गए, किसानों के खेतों में लगी फसल भी तबाह हो गई, कुछ लोगों के घरों को नुकसान हुआ। तो इस तरह की जो है खबरें हम देखते ही रहते हैं। लेकिन अगर बात करें बीते रात की, तो आपको बता दें कि टौनी देवी हमीरपुर में पड़ता है, टौनी देवी में अस्पताल के समीप जो है से पत्थर दरकना शुरू हुए थे, लेकिन इस पर ज्यादा ध्यान किसी ने नहीं दिया और धमाके से वहां पर अगर जब पहाड़ी गिरी तो इसकी चपेट में 5 वाहन एक मोटर साइकिल आई है, जिसमें जानकारी मिलने के बाद जो है उसके बाद प्रधान के साथ जो है यहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया कि कहीं कोई लोग जो है यहां पर दब तो नहीं गए हैं, किसी को कोई जानी नुकसान तो नहीं हुआ है, लेकिन ऐसे किसी को आहत करने वाला कोई मामला सामने नहीं आया। लेकिन वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया, पहाड़ी जिस तरह से दरकी तो काफी ज्यादा वहां पर नुकसान की आशंका बनी, क्योंकि गाड़ियों पर जो है सीधी पहाड़ी गिरी है धमाके से और काफी ज्यादा वहां नुकसान हुआ। 5 गाड़ियां इसमें शामिल थी और एक मोटर वाहन जो है वहां पर शामिल था। तो इस तरह के जो लगातार जो है हिमाचल प्रदेश में देखने को मिल रहा है लैंडस्लाइड का, तो काफी ज्यादा नुकसान जो है इस बार लैंडस्लाइड की वजह से हुआ है, जो भूस्खलन हुए हैं हिमाचल प्रदेश में। तो अभी भी मौसम जिस तरह से बना हुआ है या फिर आगे ठंड में किस तरह रहने वाली है, कैसी बारिश होगी, किस तरह की बर्फबारी होगी, और अगर बात करें बर्फबारी के दौरान, तो बर्फबारी के दौरान भी जो लोग ट्रैकिंग पे जाते हैं, माउंटेनियरिंग करते हैं, तो वो लोग भी जो है इसका शिकार हुए हैं, क्योंकि बर्फ की वजह से वहां पे उन लोगों को काफी ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा, कई लोगों की वहां पर मृत्यु भी हुई। तो इसको लेकर भी किन्नौर प्रशासन ने जो है अब ट्रैकिंग करने से वहां मना कर दिया है कि जब तक मौसम ठीक नहीं हो जाता या फिर वहां का वेदर जो है स्थितियां ठीक नहीं हो जाती है, तब तक कोई भी ट्रैकिंग वहां पर नहीं करेगा। इसको लेकर भी वहां पर प्रशासन द्वारा अलर्ट कर दिया गया है। और अगर बात करें तापमान की, क्योंकि ऊंची चोटियों पर बर्फबारी होने के बाद जो है निचले क्षेत्रों का तापमान जो है काफी कम हो जाता है, काफी ठंडा हो जाता है, तो काफी ज्यादा तापमान जो है कम हुआ है। जो हमारे प्लेन एरियाज है वहां का तापमान इतना ज्यादा नहीं, लेकिन जो हमारे मध्य पर्वतीय इलाके हैं वहां का तापमान जो है काफी ज्यादा गिरा है। अब बात करें राजधानी शिमला की, तो राजधानी शिमला की बात करते हैं तो राजधानी शिमला का जो तापमान है वो 8.5 है न्यूनतम तापमान की आपको जानकारी दे रही है। सुंदरनगर की बात करते हैं तो 11.0 है, भुंतर का 10.0 है, कल्पा का 1.4 है। देखिए तापमान जो है कल्पा केलांग की बात करें, किन्नौर या फिर लाहौल स्पीति के साथ लगते अन्य क्षेत्रों की बात करें, तो यहां बर्फबारी की वजह से जो है तापमान माइनस में जाता जा रहा है, कम कम होता जा रहा है। धर्मशाला की बात करते हैं तो 9.8 है, ऊना का 12.8 है, मैदानी क्षेत्र है इसलिए तापमान थोड़ा सा ठीक बना हुआ है। नाहन की बात करते हैं तो 15.5 है, ये भी मैदानी क्षेत्र है। केलांग की बात करते हैं तो -1.7 जो है यहाँ का तापमान बना हुआ है। इसके साथ बात करते हैं पालमपुर की, तो पालमपुर 9.4 है, सोलन जो है 10.0 है, मनाली 5.4 है, कांगड़ा 12.4 है, मंडी 12.9 है, बिलासपुर 15.0 है, हमीरपुर 11.7 है और चंबा 11.1 है, डलहौजी 7.5 है, कुफरी की बात करें तो 7.3 है, वहीं जुब्बड़हट्टी 11.4 और पौंटा साहिब 17.0 है। तो ये तापमान है
और सबसे कम जो तापमान है वो केलांग का बना हुआ है, माइनस में तापमान चल रहा है क्योंकि काफी बर्फबारी यहां पर हुई है और जिस तरह से बर्फबारी होने के बाद जो है तापमान माइनस में चला गया है। वहीं अगर बात करें तो अभी जो दिन में धूप खिल रही है साथ ही साथ ठंडी हवाएं भी चल रही हैं, लेकिन शाम होते होते जो ठंड है वो काफी ज्यादा बढ़ रही है और इस बार लगता है जिस तरह से अक्टूबर माह में ही बर्फबारी का दौर शुरू हो गया है तो दिसंबर या फिर जनवरी आते आते तक नए साल तक जो है कड़ाके की ठंड देखने को मिलेगी क्योंकि बहुत ज्यादा जल्दी जो है इस बार बर्फबारी का दौर देखने को मिला है। बरसात भी काफी ज्यादा हुई है और बर्फबारी का दौर भी बहुत जल्दी शुरू हो गया है। प्री विंटर सीजन जो होता है तो वो पहले ही काफी ज्यादा पहले देखने को मिला है और इसी के साथ नवंबर माह की शुरुआत कैसी होगी इसकी भी जानकारी आपको देंगे। तो चलिए मौसम की अपडेट में आज इतना ही। हिमाचल प्रदेश में मौसम कैसा रहने वाला है इसके बारे में आपको जानकारी दी और आगे कैसा रहेगा ये भी आपको रोजाना जानकारी देंगे। इसके लिए आपको लाइफ टाइम्स टीवी के पेज को लाइक फॉलो जरूर करना है, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस करना है। तो देखते रहिए लाइफ टाइम्स टीवी। आपके साथ मैं हूं वर्षा, मेरा स्ट्रीम प्रसाद दिया, वीडियो जर्नलिस्ट शुभम शर्मा जी ने। धन्यवाद।